हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हमारे पास है हुंडई की ग्रैंड i10। तो मैं इसमें दिखा देता हूँ क्या होने वाला है। ये गाड़ी आगे से एक्सीडेंट हो चुकी है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से गाड़ी लगी हुई है, और इसका बोनट डैमेज हो चुका है, और इसका जो फेंडर है ये डैमेज हो चुका है, और इसका जो बम्पर है वो डैमेज हो चुका है, और इसकी जो हेडलाइट है वो डैमेज हो चुकी है, और जो हेडलाइट का जो पैनल होता है प्लास्टिक का वो डैमेज हो चुका है। तो इस गाड़ी को हम रिपेयर करने वाले हैं, इस गाड़ी पे हम काम करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहो, आपको काम दिखाने वाले किस तरीके से हम इसमें काम करने वाले हैं, और बेहतरीन तरीके से इसमें काम होने वाले हैं। आपको वीडियो अगर मेरी पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो चलो मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ फेंडर की, क्या कंडीशन है। ये कुछ इस तरीके से फेंडर की कंडीशन हो चुकी है, ये देख सकते हो, और कुछ इस तरीके से बोनट की कंडीशन है, ये देखो, और बम्पर आप देख सकते हो तो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तो बम्पर हम चेंज करने वाले हैं, और हेडलाइट चेंज होने वाली है, और काम स्टार्ट होने वाला है। तो देख सकते हैं, सो फाइनली जो बोनट की फिटिंग खोल रहे हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसका ग्लास है वो भी डैमेज हो चुका है। तो कस्टमर ये भी इसके लिए भी चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसको भी हम चेंज करने वाले हैं। तो डेंटर साहब हमारी गाड़ी इस गाड़ी में लग चुके हैं, तो इस गाड़ी को बिल्कुल बेहतरीन न्यू लुक आपको देने वाला है। इस गाड़ी में आप देख सकते हो वीडियो में कितना बेहतरीन हम इसमें काम करने वाले हैं। इस पैनल को रिपेयर करने वाले हैं, आप देख सकते हो बोनट के अंदर की हालत भी आप देख सकते हो किस तरीके से डैमेज हो चुका है। तो इस तरीके से हम काम करने वाले हैं, तो इसमें पता भी नहीं लगेगा कि डेंट कहीं पर था। तो इसको हम रिपेयर करने वाले हैं, और जो इसके कब्जे सेफ है डेंटर साहब? ये बैंड है ना, ये दोनों साइड एक, हाँ, तो ये कब्जा जो है बोनट का ये भी बैंड है, देख सकते हो यहाँ से। तो इस कब्जे को भी हम चेंज करने वाले हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ जो इसका बोनेट है वो डेंटिंग कर दिया है डेंटर साहब ने, और डेंटिंग भी कितनी बेहतरीन करी आप देख सकते हो, और जो इसका फेंडर डैमेज था कितना भयंकर तरीके से डैमेज था इसका फेंडर, और फेंडर भी रिपेयर कर दिया बिल्कुल जीरो जीरो गैप का देख सकते हो, और बोनेट की सेटिंग देख सकते हो, और फेंडर की डेंटिंग देख सकते हो कितनी बेहतरीन हो चुकी है, और जो इसका ग्लास था वो अभी चेंज नहीं हुआ है, वो अभी कटिंग नहीं करा है। ग्लास को भी कटिंग करके हम चेंज करने वाले हैं। जो दो जो पीस थी इनकी डेंटिंग हो चुकी है, और जो इसका बम्पर है वो नया आ चुका है, और जो इसकी हेडलाइट है वो भी नई आ चुकी है, और जो इसका एक ब्रैकेट ये टूटा हुआ था इस साइड का वो भी हमने नया पैनल मंगा दिया है इसका। तो इसका भी पेंटिंग का काम स्टार्ट होने वाला है, पेंटर साहब इसमें लगने वाले, तो वो भी मैं आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फाइनली जो डेंटिंग हुए थे ना पीस पे, उससे अभी ग्राइंडर मार रहे ताकि जो लेवल है उसका एक्सटार हो जाए, और आपको जो यहाँ पे दिख रहा था डेंटिंग का पैनल वो अभी क्लियर हो चुका है बिल्कुल, आप देख सकते हो पैनल बिल्कुल क्लीन हो चुका है इस पैनल पे, ताकि अब जो पेंटर काम करेगा बहुत ही स्मूथ काम हो पाएगा उस पर। देख सकते हो आप कितने बेहतरीन तरीके से ग्राइंडर इस पर लगा दिया है, और ये देखो इस तरीके से पैनल निकल के आ रहा है। फाइनली पेंटर साहब हमारे आ चुके हैं, और देख सकते हो इस पर हम कर रहे हैं मास्किंग, कुछ इस तरीके से इसकी मास्किंग की जा रही है, ताकि जो पेंट की फुहार है वो अदर पीस पे अदर पैनल पे ना जाए, सिर्फ जिस पैनल पे काम करना है उसी पैनल पे ही पैनल पे काम हो सके।
तो कुछ इस तरीके से एमरी पेपर से इसको क्लीन किया जाएगा, जितना भी इसका बेस में पेंट लगा हुआ है उसको क्लीन कर लेंगे, और जो इसकी शाइनिंग है, जो इसकी चमक है, जो इसकी चिकनाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो इसके ऊपर काम किया जाएगा वो भी मैं आपको प्रोसीजर दिखाने वाला हूँ। पूरे पैनल पे कुछ इसी तरीके से एमरी पेपर यूज़ किया जाता है। सो इसको सरफेस को प्लेन करने वाले हैं। जो यूज़ करने वाले प्रोडक्ट वो है बॉडी फिलर, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसको तैयार किया जाता है, और इसको हम यूज़ करने वाले इस पैनल पे। ये इसका न्यू बम्पर जो हम लेके आए, हुंडई जेन्युइन का बम्पर है, तो ये नया बम्पर भी पेंट होने वाला है। तो गाइस आप फाइनल देख सकते हो, जो इसका बॉडी फिलर था वो एमरी पेपर से पूरा घिस दिया है, क्योंकि पहले कवर किया था फिर उसके बाद घिसाई करके, अब इसके बाद चेक पुट्टी की है। चेक पुट्टी करने के बाद भी एमरी पेपर से इसको क्लीन करेंगे, जितने भी अपस्टाउन है वो सब दब जाएंगे। और मैं आपको बम्पर दिखा देता हूँ, बम्पर पर भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके अस्तर अप्लाई कर दिया है। ये देखो, ये बम्पर पर अस्तर अप्लाई कर दिया और इसको सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया है। उसके बाद इस पर भी एमरी पेपर से घिसाई होगी, कुछ इस तरीके से काम चल रहा है इस पर। सो गाइज अब मार रहे हैं इस पे अस्तर की कवरिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हो बोनट हुड पे, तो पैनल पे मार दिए कवरिंग, अब फेंडर के पैनल पे मार रहे कवरिंग, और बम्पर पे तो पहले ही कवरिंग कर दी थी। कुछ इस तरीके से इसकी कवरिंग चल रही है, और गाड़ी को पूरा कवर्ड कर दिया है, देख सकते हो आप न्यूज़पेपर से, ताकि जो पेंट की फुहार है वो किसी भी पैनल के ऊपर ना जाए। ये हम पहले ही कवर्ड कर देते हैं कि और भी कोई गाड़ी के पार्ट्स है उनके ऊपर पेंट की फुहार ना जा पाए। सो गाइस फाइनली गाड़ी हमारी पेंट हो चुकी है, देख सकते हो कुछ इस तरीके की शाइनिंग नए पेंट में आ रही है। मैं आपको पेंट होते हुए नहीं दिखा पाया, कहीं बाहर चला गया था, लेकिन पेंट की फाइनल की आपको लुक दिखा सकता हूं मैं। ये देखो, ये बोनट पैनल है और इसका फेंडर पैनल है, जिसमें बॉडी फिलर की कवरिंग चल रही थी, पॉलिस्टर पट्टी, फिर अस्तर के बाद फिर ये पेंट लगा है, और ऐसे ही ये बम्पर का लुक आ चुका है। तो कल इसकी फिटिंग होगी, तो फिटिंग होने के बाद भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अब बज चुके हैं रात के 11:15। तो गाड़ी फाइनली पेंट कर दी है आज की डेट में, तो कल सुबह इसकी फिटिंग करके कल दोपहर तक कस्टमर को इसको हैंड ओवर कर देंगे। सो गाइस आप देख सकते हो डेंटर साहब हमारे आ चुके हैं, और अब सुबह के बज रहे हैं 8, और इसके जो बम्पर की जो कंप्लीट फिटिंग होती है, बम्पर के फोग लैम्प कंप्लीट, और बम्पर की ग्रिल ऊपर वाली नीचे वाली सारी, और बम्पर के ब्रैकेट और पीछे के जो कवर थे वो भी लगा दिए हैं, और अब आप देख सकते हो कंप्लीट फिटिंग इस गाड़ी की। ये देखो,
और जो इसकी हेडलाइट है ये भी नई आ चुकी है, लेफ्ट साइड की हेडलाइट ये भी नई लगा दी। अब इसका लगने वाला है ग्लास कटिंग करेंगे, और जो इस पर न्यूज़पेपर कवर थे वो हमने सारे हटा दिए सुबह, और आप देख सकते हो पेंट की शाइनिंग, पेंट भी 00 इसमें मैचिंग है। पेंट का भी अगर जैसे गाड़ी वॉशिंग हो जाती है पेंट का पता भी नहीं लगेगा कि कहीं से भी गाड़ी पेंट हुई है या नहीं हुई है। अभी थोड़ी डस्टिंग में खड़ी गाड़ी इसलिए थोड़ा पता लग रहा है, ये पेंट थोड़ा ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है, ये थोड़ा डस्टी है। बाकी वॉशिंग होने के बाद कम्प्लीटली नहीं पता लगता कि कोई गाड़ी पेंट भी हुई है हमारे या नहीं हुई है, बिल्कुल 00 मैचिंग और 00 सेटिंग गाड़ी की करके देते हैं। तो आपने पहले देखी थी कंडीशन कैसी थी, और अब देख सकते हो कंडीशन कितनी चेंज हो चुकी है गाड़ी की, बिल्कुल लाजवाब हो चुकी है। और अभी इसका ग्लास डलने वाला है, वो भी मैं प्रोसीजर आपको दिखाने वाला हूँ। सो अब कर रहे हैं इसकी ग्लास कटिंग, पुराने वाले ग्लास की कटिंग करके, और फिर हम सीलेंट लगा के फिर इसको नया लगाने वाले इस ग्लास को भी। तो कुछ ये प्रोसीजर होता है ग्लास कटिंग का। ग्लास भी जो फ्रंट विंडशील्ड है वो भी कट चुका है, और जितने अब ये सीलेंट जो रह रही है थोड़ी बहुत इसकी साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद जो है नई सीलेंट इसमें लगेगी जो कि ग्लास को चिपकाएगी और ग्लास को रोक के रखती है। और देख सकते हो प्रॉपरली इसको क्लीन कर लेंगे। ये है इसका पुराना ग्लास, और वो है इसका न्यू ग्लास। जो इसकी बीडिंग है साइड की वो बीडिंग इसमें लगा देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो रबड़ वाली बीडिंग। और जो इसका जो ग्लास है ये भी बीच वाला रियर व्यू मिरर, इसको भी उतार के उसमें फिटिंग करेंगे, और उसके बाद इसको फिटमेंट करेंगे गाड़ी में। सो कुछ इस तरीके की इसकी सीलेंट ट्यूब होती है, ये कुछ इस तरीके की सिलिकॉन होती है जो पूरे पैनल पे कवर करेंगे और ग्लास को पकड़ के रखती है ये चीज़। ये देखो धीरे 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 इस पैनल पे कहीं पे भी गैप नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो गैप छोड़ते ही पानी जाने के चांस बढ़ जाते हैं। और ये आ चुका है अपना न्यू ग्लास। सो कुछ इस तरीके से न्यू ग्लास भी इसमें फिटमेंट हो चुका है। इसके अब लगा देंगे हम कोइल टॉप ग्रिल और वाइपर ब्लेड्स, और इसको हम छोड़ देंगे सूखने के लिए ताकि अच्छे से पकड़ कर ले सीलेंट इसकी। सो गाइस आप फाइनल कंडीशन चेक कर सकते हो गाड़ी की, गाड़ी हो चुकी है वॉशिंग, और ये कुछ इस तरीके की कंडीशन है। सो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपनी इस वीडियो को जरूर शेयर करें अगर पसंद आई है तो। सो थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट।